ठीक है, फर्स्ट देखो, कई बार क्या होता है कि हम बाहर निकलना भी चाहते हैं उस रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप से बाहर निकल ही नहीं पाते, ऐसी जगह पे फंस सकते हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन केस सिनेरियोज में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे एक व्यक्ति चाहता तो है कि डिवोर्स हो जाए, दूसरा व्यक्ति उसको चाहने नहीं देता या उसको डिवोर्स देने ही नहीं देता। सो सैटर्न जब भी सेवेंथ हाउस से लिंक होगा, वो आपको मैरिज तोड़ने ही नहीं देगा, वो तोड़ने में आपको मुश्किलात देगा, डिले देगा। ये एक और टॉपिक है, लिब्रा एंड मैरिज, मैरिज सेरेमनी। ठीक है, सो सैटर्न जब भी लिंक हो जाता है ना सेवेंथ हाउस में, सैटर्न क्या है कि सैटर्न के अंदर क्या है कि रिखाते रहेगा, चलाते रहेगा किसी न किसी तरीके से, वो छोड़ता नहीं। ये खास सैटर्न खासियत है कि वो धीरे धीरे चलता है ना, शनै शनै। तो मैरिज भी आपकी वैसे ही शनै शनै होती है, उसमें आगे प्रोग्रेस नहीं बढ़ पाता। ठीक है, सो किसी का चार्ट था, चार्ट में सैजिटेरियस सेवेंथ हाउस, जेमिनाई लग्न, सैजिटेरियस सेवेंथ हाउस, सैटर्न एंड मार्स का कॉम्बिनेशन मिला था इसमें। सैजिटेरियस का सैजिटेरियस नहीं था, आई थिंक मार्स वाज सिक्स्थ लॉर्ड, सैटर्न वाज एट्थ लॉर्ड। किस नो ना किस नो मार्स अक्वेरियस, अक्वेरियस ठीक है, अक्वेरियस सेवेंथ हाउस में था। ठीक है, तो लगन लियो का हुआ, लियो लगन, सैटर्न इन सेवेंथ हाउस। चार्ट बनाते रहना कि दिमाग में नहीं चलेगा आपको, सैटर्न लियो इन लगन, सैटर्न इन सेवेंथ हाउस, मार्स इन सेवेंथ हाउस। ठीक है, ये लोग इतने टाइम सेपरेटेड रहे लेकिन शादी नहीं, 7-8 साल ये लोग सेपरेटेड रहे लेकिन शादी नहीं, और मैं का शादी टूटते की हुई। सैटर्न का सेवेंथ हाउस में आना, और सैटर्न और मार्स का एक एंटी वो है, सैटर्न एग्जॉल्टेड है, मार्स डेब्रिटेशन की तरफ बिहेव करेगा क्योंकि सैटर्न के साथ में, तो वो एंटी एनर्जी उसको तोड़ने में नहीं देती, रिघाती रहती। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम को देखने को मिलेगा कि शादी हो गई तो अब सैटर्न का सेवेंथ हाउस में आना। ठीक है, सैटर्न मार्स का देखो केसेस, इसमें व्यक्ति एक पार्टनर डिवोर्स चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है, वो तुमको ऐसे व्यक्ति। अच्छा, वीनस इन वेरियस हाउसेस, चलो कवर कर दो, क्या होगा वीनस इन लग्न। एक सेकेंड सर, ये जो द कॉम्बिनेशन यू सेड कि सैटर्न मार्स में एक पार्टनर बिहेव करेगा कि डिवोर्स चाहिए, एक पार्टनर नहीं चाहेगा, तो ये जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन है वो चाहेगा कि मतलब ये कैसे पता चलेगा मतलब। तो ये कैसे पता है कौन चाहेगा भाई? हाँ देखो, जिसका सेवेंथ हाउस खराब है वही चाह रहा है कि मैं तोड़ू। ठीक है, तो इसके चार्ट में सैटर्न सैटर्न सेवेंथ मार्स हाउस है, बोल रहे ना? सैटर्न इन सेवेंथ हाउस। हाँ, हाँ सैटर्न इन हाउस। सैटर्न और मार्स दोनों ही थे उसके चार्ट में, तो एक सिक्स्थ लॉर्ड है सैटर्न, क्योंकि कैप्रिकॉन सिक्स्थ लॉर्ड है, जब भी सिक्स और सेवेंथ का कनेक्शन है तो देर इज अ फुल चांस ऑफ डिवोर्स। ठीक है, एक शादी टूटने का उसका बना हुआ है। ठीक है, सिक्स और सेवेंथ का कनेक्शन होते ही एक लॉस ऑफ मैरिज का बना होता है। ठीक है, सिक्स, लेकिन यहाँ पे एट्थ और लॉर्ड भी इन्वॉल्व है, तो सिक्स और एट दोनों ही कंजंक्ट है मार्स, क्योंकि एरीज नहीं, मार्स मार्स नहीं, नाइन्थ लॉ, मार्स तो नाइन्थ लॉ है। लगन सिनेरियो में ऐसा होगा कि फिलहाल जो भी हो, द होल कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पे दो लॉर्ड इन्वॉल्व है सैटर्न मार्स, सो द्वंद चल रहा है, अगर द्वंद। दोनों सेवेंथ हाउस में हो या सिर्फ सैटर्न सेवेंथ हाउस में। सर सैटर्न सेवेंथ हाउस में अकेला है तो हाँ क्या हो रहा है मैरिज में, फिर आपको तोड़ने का वो नहीं, आप किसी तरह उसको चलाना चाहते। ठीक है, खींचता जाएगा। हाँ खींचते जाओगे उसको, करते जाओगे, और वो ऐसा कह लो कि आप एक ऐसे स्टेट पे आ जाते हो जहाँ पे आप बोलते हो, देख भाई देख बहन, तू मेरी आज से बहन हो गई है, मैं तेरा हस्बैंड नहीं, तू अपने कमरे में, मैं। ठीक है, वो वाला सिचुएशन आता है।
और मार्स सैटर्न मार्स सैटर्न हो तो मार्स सैटर्न तो आप तो चाहते हो कि भाई छुटकारा दे दे बहन मैं बहुत बाप कर लिए मेरे को जाने दे वैसा वाला सिचुएशन आता है ठीक है सो वो सैटर्न मार्स है लेकिन फिर वो छोड़ते भी नहीं मतलब फिर आप फिर वो क्या इश्यूज बनाते हैं अब ऐसे सिचुएशन में अगर मरकरी और केतु का कंजंक्शन मिल जाए तो कोर्ट केस होने का चांस ठीक है मरकरी मतलब मरकरी इन्वॉल्व हो जाए सैटर्न मरकरी आ जाए सैटर्न मरकरी केतु इन्वॉल्व हो जाए तो कोर्ट केसेस में लग जाना मरकरी का इन्वॉल्वमेंट आपको कोर्ट केस में या वर्गो का इन्वॉल्वमेंट हाँ क्योंकि भाई मैंने बोला कि सिक्स्थ लॉर्ड हो गया करेक्ट सो वर्गो का इन्वॉल्वमेंट आप में कोर्ट केसेस में लेके जाएगा कोर्ट के चक्कर कराएगा और सैटर्न अगर हो गया सैटर्न वर्गो में होकर के अगर हो गया तो फिर भाई आपका कोर्ट केस भी बहुत लंबे चलने वाला है आप उसमें रिगोगे और खाली बहुत इशू है तो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी लगना हो अगर हमें सैटर्न भी वर्गो में मिल जाए एंड सपोज इट इज कंजंक्ट विद मरकरी ओनली तो हम ये चीज एक चीज ये निकलती है कि कोर्ट केस तो होगा और वो लंबा चलेगा या पॉसिबिलिटी है अगर कोर्ट केस हुआ तो लंबा चलेगा ये बात तो शायद ओके अगर वर्गो में तुम्हें सैटर्न और केतु जैसे प्लैनेट तो कोर्ट केस अगर हुआ तो फिर वो बहुत लंबा चलेगा वो ओके एक चीज केतु की जगह राहु हुआ तो सैटर्न के साथ राहु हो गया सिक्स में तो सर केतु होने से और सैटर्न होने से तो आपने बताया लंबा केस चलेगा राहु क्विक है राहु राहु पढ़ वो ना वो कोर्ट केस जाने से पहले ही चीजें निपटा लेगा वर्गो में अगर वो राहु बहुत चालू हो देगा राहु कहेगा मैं मार कूट लूंगा लेकिन मैं तो कोर्ट का चक्कर में पड़ना नहीं वो क्विक चापता है चीजें सॉर्ट आउट वो कहेगा एक काम करता हूँ इसका गर्दन में काट के फेंक देता हूँ सिंपल बोले कोर्ट केस जाने क्यों इसको फ्रिज में बंद करता हूँ बाहर से पत्नी आरोप लगा दे कि आपको ये सब किया आपने ये सब वगैरह वगैरह बट वो व्यक्ति खुद कोर्ट केस की तरफ जाए ऐसा उसका वो नहीं एक चीज और वर्गे यू सेड ये ना सैटर्न अगर मार्स के साथ हो तो भी वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि वो डेबिलिटेटेड हो सैटर्न मार्स सैटर्न मार्स का कंजंक्शन जो है ना वो दैट इज अ द्वंद कंजंक्शन द्वंद सरज होगा द्वंद मतलब दोनों का एनर्जी बिल्कुल अपोजिट है एक बुड्ढा बाबा और एक आर्मी का हीरो और आर्मी का हीरो को बोल रहे हो कि लेके चलो बुड्ढे बाबा को पहाड़ चढ़ना है और ये बाबा जी को लेके चलना है तो दैट इज हाउ आई तो वो द्वंद कनेक्शन ठीक है एंटी चीजें हैं उसमें ओके क्योंकि अगर ऐसे हम देखें तो मंगल तो शनि की राशि में ही उच्च का होता है होता है करेक्ट मैं उसका कॉन्सेप्ट भी समझाया कि क्यों होता है हाँ वो ठीक है मतलब लेकिन अगर साथ में होगा तो ये मतलब फिर एंटी एनर्जीज हो जाएंगी एंटी एनर्जीज है वहां पे फिर द्वंद है तो जहां पे भी ये बैठेंगे वहां द्वंद रहेगा ठीक ओके थैंक यू ठीक है वीनस इन लगन क्या होगा वीनस अगर किसी का लगन लगन आपका बॉडी है आपका पर्सनैलिटी है उस पे कोई भी प्लैनेट बैठ रहा है दैट विल डोमिनेट यू दैट विल बिकम दैट विल डोमिनेट द पर्सनालिटी इसका अर्थ और ऐसा सोच लीजिए कि लगन एक सूर्य का घर है जो प्लैनेट वहां बैठेगा विल बिकम लाइक अ सूर्य ठीक है विल बिकम लाइक अ राजा किंग कह लो मार्शियन एनर्जी और सन का एनर्जी दोनों एनर्जी आ जाएगा जब लगन वीनस पे होगा वीनस लगन पे होगा So, ऐसी व्यक्ति का पत्नी जो है ना वो डोमिनेटिंग ठीक है उसका लाइफ पत्नी का राउंड रिवॉल्व करना शुरू हो ठीक है कई बार मैंने ये भी देखा है कई बार नहीं देखा मतलब वीनस लगन पे है सो पत्नी बहुत हार्श और डोमिनेटिंग और वो सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं जिसमें पत्नी कुटाई कर सकती है पति की ऐसा देखा है
मैं तो मतलब रियल केस एग्जांपल देता हूँ, वीनस इन वर्गो विथ मार्स इन लगन, ठीक है, वर्गो का लगन है, वीनस मार्स ऊपर कंजंक्ट है, ठीक है, वो बंदे को देखते ही लगता है कि वो पीटा गया है, वो खुद बोल रहा है कि मैं वाइफ में, क्योंकि मैं बताया ना, एक तो पहले लगन पे वीनस है, वैसे ही डोमिनेटिंग वाइफ मिल रही है, लेकिन वीनस और मार्स का कंजंक्शन भी है, तो वैसे ही वीनस कैसी हो गई, पत्नी कैसे हो गई, बाहुबली, ठीक है, तो अब वो खुद ही बोल रहा है कि मैं बहुत अब्यूजिव मैरिज में हूँ सर, मेरे को बचा लो, मैं कह रुक जा बस वर्गो में आने दे राव के, तो तुम्हारा निवारण हो, ठीक है, तुम इससे छुटकारा पाओ। हेलो भवन जी, गुड टू सी यू, गुड मॉर्निंग उत्कर्ष। एक चीज थी कल रात में मैं पढ़ रहा था, वर्गो लग्न विद मार्स एंड वीनस इन इट, और ये हाँ ये चार्ट था एक ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति का जिसने एक औरत को बहुत लंबे वक्त तक अब्यूज किया, वो एक्टिंग स्टोरी तुम्हें पता है, अ गर्ल इन अ बॉक्स वाली, कल ही मैं पढ़ रहा था, तो वो केस उल्टा है, मतलब ठीक है, अब जो मैं चार्ट एग्जांपल लिया है ना, उसमें एक्चुअली में लगन लॉर्ड भी इन्वॉल्व है, तो मार्स वीनस मकरी ये तीनों, ठीक है, सो इसके केस में तीनों थे, तो वही है कि जब वीनस मार्स वीनस डेब्यूटेटेड है लगन में, सो वाइसी वर्सा कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, अब इसमें क्योंकि लगन भी आ गया था, तो देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई कि वीनस डेब्यूटेशन में जा रहा है लेकिन मरकरी को खींच ले रहा है, वो मार्स को खींच ले रहा है अपने तरफ, तो वीनस स्ट्रॉन्ग बन, लेकिन सिर्फ मार्स वीनस मार्स रहता है, तो वीनस डेब्यूटेटेड है, ठीक है, सो अब लगन, अब वही इंपॉर्टेंट है कि लगन की डिग्री से कौन ज्यादा करीब जा रहा है, इज इट द मार्स हु इज विद लगन और वीनस विद द लगन, कौन इफेक्ट हो रहा है, ये हो जाता है, बट वही है कि आपने एक अच्छा एग्जांपल बताया, बट द सिचुएशन लाइज दिस सेम, वीनस मरकरी हां मतलब औरतें की टीम होती है उस व्यक्ति की लाइफ में और डेब्यूटेटेड है तो कुछ बुरा ही है, मतलब नेगेटिव सेंस में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये होने का वो बनता है। आई जस्ट मतलब मैं सुन नहीं पाई, लगन कौन सा था, मतलब असेंडेंट क्या था इन दैट चार्ट, इन दैट चार्ट आल्सो वर्गो, वीनस मार्स गर्ल इन द बॉक्स वेरी फेमस, ये नेटफ्लिक्स पे भी है, हां नेटफ्लिक्स पे भी है, सो लाइक सिचुएशन लाइक दिस अ क्रिटिकल एंड इसको कायदे से हैंडल करना पड़ता है।